रेलवे में शिकायतकर्ता और लॉ स्टूडेंट दीपक ने बताया कि पोस्ट पर ले जाने के बाद आरपीएफ स्टाफ ने उन्हें ट्वीट पर कार्रवाई से संतुष्ट होने का मैसेज लिखने को कहा। जब उन्होंने इससे इनकार किया तो उनके ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई। छात्र दीपक को जिला अदालत में पेश किया गया और 12,000 के मुचलके पर छोड़ दिया गया। आपको बताया कि अगले दिन दीपक को रेलवे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। आरपीएफ ने दीपक पर रेलवे की धारा एक धारा के तहत 140 और 147 के तहत मामला दर्ज किया था, जिसके एवज में मजिस्ट्रेट ने बतौर पेनाल्टी 2,000 रुपए जमा कराने को कहा गया था, जिसे जमा करने के बाद छात्र की रिहाई हुई। जबकि आरपीएफ का दावा है कि दीपक ने रेलवे के कार्य में बाधा डाली है, वहीं दीपक ने इससे इनकार किया है और ट्वीट कर सबूत भी दिखाए हैं।